क्या वजह है कि महिलाओं के साथ में उत्पीड़न या युवतियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से सरकार, पुलिस, कानून बार बार इस बात के दावे करता है कि साहब सुरक्षा प्रदान की जाएगी, सब बेहतर हो जाएगा, मगर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से आज अलग अलग जगहों से जो खबरें सामने आई विचलित करने वाली है, क्योंकि मुरादाबाद में जो कुछ घटनाएं हुई घटी और उसके साथ में मुरादाबाद के साथ साथ में आगरा, उन्नाव से जो खबरें सामने आई, जाहिर तौर पर ये उन खबरों के बीच में है जब उन्नाव गैंगरेप और हैदराबाद के गैंगरेप के बाद में माना ऐसा जा रहा था कि सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं जिसके बुनियाद पर कोई सोच भी ना सके ऐसे जघन्य अपराध को करने के लिए, मगर तीनों जगह मुरादाबाद की यह तस्वीर, आगरा की तस्वीर और उन्नाव की यह तस्वीर शर्मसार करने वाली है। 8 साल के मासूम के साथ में, मुरादाबाद के एक बच्ची के साथ, मासूम के साथ में किस तरीके से दरिंदों ने अपने हवस को मिटाया, यहाँ तक कि आगरा की तस्वीर जहाँ पर एक युवती के साथ में कुछ वैसा ही जघन अपराध इन लोगों ने किया, और तीसरी तस्वीर जैसा कि आप देख रहे हैं कि 6 साल की मासूम बच्ची के साथ में इन दरिंदों ने किस तरीके से दरिंदगी की इंतहा की। मगर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में क्या कुछ कह रही है उनको आपको सुनवाते हैं, क्योंकि इन तमाम जगहों पर पुलिस सिर्फ और सिर्फ ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि साहब जाँच कर रहे हैं, मुजरिमों को, मुलजिमों को पकड़ लिया गया है, उनको सजा दिलाएंगे, मगर सवाल ये है कि इन तमाम चीजों पर अंकुश कब लगेगा। सुनते हैं पुलिस के बयान को। ये भदासना गांव पड़ता है मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में, इसमें 22 तारीख की घटना है। उसमें जैसा कि लड़की के पिता ने बताया है कि उनकी 8 वर्ष की लड़की थी जो वहां पे उसको चोट लगी हुई उन्हें मिली, तो इन्होंने यहाँ पे अपने हॉस्पिटल मुरादाबाद में देखा है, फिर यहाँ से रेफर उसे मेरठ में किया गया, तो मेरठ से जो मेडिकल एग्जामिनेशन में दुष्कर्म की बात आई है उसके बाद पिता की तहरीर पर 376 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसके आगे की विवेचना की जा रही है। देखिए, दो दिन पहले एक महिला की बुरी अवस्था में पड़ी हुई एक महिला मिली थी रेलवे स्टेशन के पास। इत्मादुल्ला थाना इंचार्ज को जब खबर मिली तो वो मौके पे पहुंचे, महिला को एडमिट किया था। जब एडमिट करने के बाद जब डॉक्टर ने उसकी जांच की थी तो पता चला था कि इसके साथ दुष्कर्म हुआ है और उसके सर पे भी किसी भारी चीज़ से वार हुआ है। फुटेज एरिया के चेक करने के बाद, सीसीटीवी फुटेज रेलवे स्टेशन के पास चेक करने के बाद एक व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ था, उसको थाना इत्मादुल्ला और टीम ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार किया गया है। उस महिला की अभी मौत हो चुकी है, बॉडी पीएम के लिए भेजी गई है। थाना क्षेत्र माटी में एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोस में 10 वर्षीय बच्चे द्वारा दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई है, जिसके संबंध में थाना माखी पर मुकदमा अपराध संख्या 297/19 धारा 376 IPC व 5/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया, जिसमें पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु जिला महिला अस्पताल भेजा गया और बाल अपचारी को हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।